हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोलेक्स और मेरे चैनल फिल्मी रोलेक्स में आपका स्वागत है। आज हम जैक रेन सीजन 3 का फुल एक्सप्लेन करेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत लोका को एलेक्स किडनैप करता है, उसके पीछे जैक भी जाता है। लोका को शिपयार्ड के खुफिया जगह ले जाते हैं। लोका के पास रिकॉर्डिंग डिवाइस था, उसमें एलेक्स की पोपो के मर्डर की बात रिकॉर्ड होती है। थोड़ी दिनों में रशियन प्रेसिडेंट को भी अपने रास्ते से हटाने वाला है, ऐसे एलेक्स बोलता है। जैक ये सारी बातें चुप कर सुन रहा था। एलेक्स लोका को मारने का ऑर्डर दे के वहाँ से चला जाता है। तब जैक सबको मार के लुका को बचाता है। लुका एलेक्स का मर्डर कन्फेशन की रिकॉर्डिंग जैक को देता है। उधर जेम्स अपने खबरी वो से सो को प्रोजेक्ट के पीछे कौन है पता लगाने बोलता है। उसी रात को जेम्स ओवा से खबर लेने जाता है, तभी वोवा जेम्स पर हमला करता है। जेम्स उसे सीढ़ियों से नीचे ढकेल देता है और वोवा का उसमें पैर टूट जाता है। जेम्स ओवा से पूछने पर पता चला कि ओवा भी सीक्रेटली सोकोल प्रोजेक्ट के लिए काम करता था। तभी ओवा रोलेन एंटोनो का नाम लेता है। जैक नाइट को जेम्स से मिलकर रिकॉर्डिंग देता है। जेम्स भी जैक को रोलेन एंटोनो की जानकारी देता है। रोलेन एंटोनो भी 1969 मोटोस्का के बटालियन का हिस्सा था। वो भी कट्टर रशियन दल को फॉलो करता था। सोकोल प्रोजेक्ट का एंटोनियो एक्री हाई ऑफिसर था, जो बड़े पैमाने पर जंग करना चाहता था। लुका और जैक एंटोनो के घर पर जाते हैं। वहां पर जैक को आखिरी सोकोल प्रोजेक्ट की फाइल मिलती है। उस फाइल के हिसाब से आखिरी न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च रशिया का सबसे बड़ा A-51 नेवी शिप से होने वाला था। जैक मिशन को रोकने के लिए अपनी US नेवी शिप बाल्टिक सी जाने की तैयारी करता है। इधर लुका भी अपने रशियन A-50 शिप पर जाने की तैयारी करता है। एपिसोड के अंत में चेक प्रेसिडेंट मैडम छुटके से मॉस्को रशिया रशियन प्रेसिडेंट से मिलने आई थी, ताकि दोनों देशों में संबंध अच्छे हो। जेम्स एलेक्स की रिकॉर्डिंग प्रेसिडेंट मैडम को देता है। प्रेसिडेंट मैडम रशियन प्रेसिडेंट से मिलने के लिए पोपो के बीवी से मदद लेते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले लास्ट एपिसोड में जानते हैं कि जैक और लुका प्रोजेक्ट सोकोल को रोक पाते हैं या नहीं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। एपिसोड की शुरुआत जैक नारावा रशियन बॉर्डर पार करता है, क्योंकि बॉर्डर के उस तरफ उसका साथी रोटर हेलीकॉप्टर लेकर आता है, ताकि जैक को बाल्टिक सी के US नेवी शिप पर भेजकर जंग रोक सके। थोड़ी देर बाद जैक और उसकी टीम बाल्टिक सी पहुंचती है, लेकिन तभी US नेवी के जनरल शिप पर लैंडिंग करने की परमिशन नहीं देते। तभी जैक अपने मिशन के लिए पानी में कूदता है और हेलीकॉप्टर को वापस जाने बोलता है। तभी नेवी शिप के जनरल उसे बचाने के लिए फोर्स भेजती है। जैक शिप पर पहुंचने के बाद सारी बातें जनरल से बताता है। रशियन आतंकी दल जंग छेड़ना चाहती है और इसमें रशियन गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, लेकिन जनरल उसके किसी बात का यकीन नहीं करता। उधर लुका भी अपने रशियन A-51 शिप पर पहुंचता है। तभी वो अपने पुराने 1969 वाले दोस्त रोलेन से मिलते हैं। रोलेन उसे बंदी बनाता है। थोड़े मिनट रोलेन और लुका के बीच बातचीत होती है। एलेन कहता है, तुम उस दिन साइंटिस्ट को नहीं मारने का ऑर्डर देते तो उसी दिन प्रोजेक्ट सोकोल कंप्लीट करके आज हम सारे दुनिया पर राज कर सकते थे। उसी पर लुका कहता है, तुम्हें भी उस दिन उन्हीं के साथ मार देना चाहिए था। लुका के बातों से गुस्सा आकर रोलेन चला जाता है, लेकिन लुका पर नजर रखने के लिए शिप का कैप्टन था। उसे लुका रोलेन के खिलाफ सच्चे बातों से उकसाता है। US और रशियन शिप अब आमने सामने जंग के लिए खड़ी थी। रोलेन दो मिसाइल US नेवी पर टारगेट करता है। उसी पर US नेवी भी मिसाइल को टारगेट करके उड़ा देती है। गुस्से में आकर रोलेन न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने वाला था, लेकिन तब तक रशियन शिप का कैप्टन लुका को छुड़ाकर रोलेन के पास ले जाता है।
रोलेन के पास प्रेसिडेंट के ऑर्डर ना होने के कारण कैप्टन उसे गिरफ्तार करवाता है। रशियन शिप और यूएस शिप के बीच कॉल पर बात होती है और खतरा टल जाता है। उधर प्रेसिडेंट मैडम खुफिया जगह से जाकर रशियन प्रेसिडेंट से मिलते हैं। एलेक्सी के पोपो मर्डर और सोको प्रोजेक्ट की पोल खोल देती है। उसी पर रशियन प्रेसिडेंट एलेक्सी को मारने का ऑर्डर देते हैं। यूएस प्रेसिडेंट अपने टीम का शुक्रिया करके उन्हें मेडल देते हैं। इसी पर सारे एपिसोड यहाँ समाप्त होते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।